हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएस। 50-डे रिग्रेस प्लान में ये 20वां दिन है हमारा और हम बहुत कड़ी मेहनत के साथ इस सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। आप भी अपने पूरे जोर शोर से लगे हुए हो, ये हमें पता है। आज का हमारा जो टॉपिक है 20th डे का, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और इन्वायरमेंट में ये कुछ पोर्शंस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट पोल्यूशन। देखो, बात यूं है कि बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन जो है, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, पढ़ने में नहीं है, बट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर आ चुके हैं। मैं अगर बात करूँ तीनों टॉपिक को कंबाइन करके, और ईयर हो 2010 से लेके 2019 तक का, तो लगभग 80+ क्वेश्चंस आ चुके हैं इन तीनों टॉपिक्स को मिला दिया जाए। इन्वायरमेंट पोल्यूशन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत टफ क्वेश्चन इससे बनते भी नहीं है। अगर स्पेसिफिकली मैं इन दो टॉपिक्स को मिला दूंगा तो ही 80+ क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इनको एक वीडियो में कंबाइन करके आपको प्रेजेंट कर सकूं। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम पोर्शंस जल्द से जल्द खत्म हो जाएं इस वीडियो के। मुझे लगता है कि इसके 2 से 3 वीडियो बनने चाहिए। ये पहला वीडियो है, सेकेंड वीडियो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा और उसके बेसिस पर मैं आपको उसी में अनाउंस कर दूंगा कि इसका थर्ड वीडियो आ रहा है कि वो वहीं पर खत्म हो जाता है। तो मोर और लेस इसका सेकंड पार्ट भी आएगा और हो सकेगा तो थर्ड पार्ट भी आएगा। हिस्ट्री इतनी ज़्यादा है और जो एक ट्रेसिंग होती है किसी भी क्वेश्चंस की, जिसको हम समझते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसके बेसिस पर हमें थोड़ा टाइम लगता है उन चीज़ों को कंप्लीट करने में। और इसीलिए वो पैटर्न अगर हमें समझ भी नहीं आता है तो इस पूरे सीरीज को हम जस्ट घोषित नहीं कर सकते कि ये सबके लिए कारगर साबित होगा, हम सब कुछ कवर करते हुए चल रहे हैं। इसीलिए इसके 2-3 पार्ट्स आएंगे, लेकिन आपको पढ़ना सारा है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप खुद समझो कि केवल 10-11 साल में अगर 80 से ज्यादा क्वेश्चंस इसके बनते हैं तो ये टॉपिक आपके एग्जाम में, जो 2020 में आप एग्जाम देने जा रहे हो, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप खोज के इसको पढ़ोगे, लेकिन पढ़ोगे जरूर। दोनों वीडियोस को देखना या तीनों वीडियोस जो भी आएंगे अभी, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। मैंने पूरा रीजन बता दिया कि इसके 2 पार्ट 3 पार्ट क्यों बनाए जाएंगे। ठीक है, ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे रिवर्स से, 2019 के पर्सपेक्टिव से कुछ क्वेश्चंस को ट्रेस करते हुए चलेंगे। उन टॉपिक्स में जो भी हिस्ट्री रही होगी, उन हिस्ट्री को पढ़ते हुए चलेंगे कि कहां से हम डिराइव कर सकते हैं इस क्वेश्चन का पैटर्न। ठीक है, दूसरी बात ये कि हमें आज एक नया बात पता चलेगा। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो इट्स वेरी गुड, नहीं पता है तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में स्पेसिफिकली हमें आज पता चलेगा कि मैप का कितना बड़ा रोल है, क्यों है, कैसे है, वो आपको आज के वीडियो के पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, 2019 का क्वेश्चन है और इसमें दिखा गया है कि नेशनल पार्क जो होता है वो कंप्लीटली टेम्परेट अल्पाइन जोन में पाया जाता है। कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है इनमें से, आपको बताना है। दो वर्ड्स हमारे सामने रख दिए गए हैं, एक है टेम्परेट और दूसरा है अल्पाइन। दोनों का वर्ड मतलब पता होना चाहिए, प्लस हमें मैपिंग में पता होना चाहिए कि एटलीस्ट ये दोनों रीजन कहां पर लाई करते हैं। टेम्परेट रीजन बताना तो बहुत ही आसान, हमें पता है कि 23.5 डिग्री वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से गुजरता है और वो किन 8 स्टेट से गुजरता है और उनके ऊपर कौन कौन सी स्टेट्स हमारे मिलते हैं, तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अल्पाइन जोन की अगर हम बात करेंगे तो हमें पता चलता होगा कि भाई अल्पाइन जोन जो है वो मोर और लेस इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के तो ऊपर ही मिलेगा। तीसरी बात, अब ऑप्शन पर हम आते हैं। ऑप्शन में ये बात का पता लगाना बड़ा ही जरूरी हो गया कि भाई ये जो नेशनल पार्क हैं इनका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। मैं आपको बता दूं, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में काउंट कर सकते हो आप इसको, क्योंकि अल्पाइन जोन को कोई इतने बारीकी से नहीं पढ़ता है। ये मैं भी जानता हूं, आप सब लोग इसको जानते होंगे। अब ये हालांकि क्वेश्चन आ चुका है तो हम भले इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर ले रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली अल्पाइन जोन को या फिर किसी भी फॉरेस्ट जोन को कोई मैप में इतना डिटेल से नहीं पढ़ता है। आप खुद ही देखो इस चीज को। ये जो ब्लू कलर के टिंट में आपको यहां पर मैप जोन दिख रहा है, ये है आपका अल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, अब इस अल्पाइन फॉरेस्ट में आप अगर ध्यान दोगे तो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए थे। उन चारों ऑप्शंस को हम यहां पर जरा प्लेस करके देखते हैं। ठीक है, टेम्परेट जोन तो ऊपर ही होगा हमें पता है, और चारों ऑप्शन टेम्परेट जोन के ही हैं, तो हमें पता होना, स्पेसिफिकली ये पता होना जरूरी है कि अल्पाइन जोन में कौन सा फॉल कर रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें मानस नेशनल पार्क। हमारा ऑप्शन सबसे पहला है मानस। मानस हमें पता है कि असम में है, और असम में कुछ इस रीजन में, अगर इस मैप में मैं पॉइंट आउट करूं तो यहां पर
आप देख सकते हो कि यहां के लगभग हमारा आएगा मानस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है नामदफा। देखो नामदफा हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है, अरुणाचल प्रदेश में आता है, लेकिन ये सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन था जिसमें इस मैप के बाद भी आप कंफ्यूज होते, क्योंकि देखो नामदफा जो है वो काफी नीचे आता है अरुणाचल प्रदेश और इसके जस्ट नीचे। यहां पर आप देखोगे इस वाले रीजन में लगभग लगभग ऐसा यहां पर आता है नामदफा, ठीक। अब देख लो कितना क्लोज है, इतना क्लोज तो कोई नहीं ऑब्जर्व कर सकता है, और इवन हमें इतना एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं पता होता है नामदफा का, या फिर नेशनल पार्क कुछ भी है, हम लोग क्या करते हैं, हाँ पता कर लेते हैं कि किस स्टेट में है, बट एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो नहीं पता करते हैं। अब से ये बात का ध्यान रखना आप कि इस चीज को भी हम देखेंगे, ठीक है। और इनफैक्ट आप ये देखोगे कि इसका एक पोर्शन, या फिर आप यहां पर देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से नामदफा है, ठीक है, तो कंफ्यूजिंग बहुत है। तीसरा जो ऑप्शन आता है हमारे पास आता है न्योरा वैली का। न्योरा वैली आप देख सकते हो यहां पर वेस्ट बंगाल रीजन में दार्जिलिंग जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर मिलता है, तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट कुछ ना कुछ यहां पर है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई न्योरा वैली जो है वो कुछ यहां पर है। और चौथा और आखिरी जो सबसे फेमस है वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स देखो यहां पर मिलेगा इस वाली रीजन में, जिसको प्योरली हम बोल तो सकते हैं कि भाई अल्पाइन जोन में तो यही पड़ रहा है। मतलब अगर आपको रफली तुक्का लगाना भी होगा अपना दिमाग लगा के, तो आप इस पर ज्यादा श्योर हो सकते हो, लेकिन वो तो तब होगा ना जब आपको ये वाला मैप पता हो और इस मैप में अल्पाइन रीजन पता हो। देखो यहां पर ये तो हमें पता था कि बाकी फॉरेस्ट इसमें अगर और भी कुछ पूछे जा सकते होंगे तो वो डिजर्ट वेजिटेशन के ऊपर है, क्योंकि बाकी बहुत ही रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूपीएससी उन पे क्वेश्चंस नहीं बनाएगी। एक फिक्स जोन था अल्पाइन और दूसरा फिक्स जोन है कौन सा, ये डिजर्ट वेजिटेशन का, तो इस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन बाकी चीजों पर क्वेश्चन बनाना मुझे लगता है कि मैप बेस्ड होगा तो बहुत टफ होगा, उतना कोई भी याद नहीं कर सकता है, कुछ और लॉजिक लगा के कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर मैप जोन में तो हम इतनी ही बात कर पाएंगे, ठीक है। इस वाले पूरे क्वेश्चन का सही आंसर होगा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, डी इज द करेक्ट आंसर, आपको पता भी हो गया अब तक, और प्लस यहां पर कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने हर नेशनल पार्क के लिए दे रखा है, उनके इंपॉर्टेंट स्पीशीज कौन सी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया है, एक बार जरूर से पढ़ लेना, बहुत हेल्प करेगा मैप के साथ। देखो हमें आज का जो हमारा पूरा लेक्चर का ये सेशन होगा ना, इसमें हम एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ेंगे कि मैप का रोल क्या है, हमें कितने डेप्थ तक जाके मैप को पढ़ना रहता है। यहां पर नामदफा के बारे में भी है, न्योरा वैली के बारे में भी है, आप लोग इनको भी पढ़ लेना, क्योंकि मैं हमेशा से यही समझता हूं अगर ऑप्शन में आया है तो अगले साल उस पर मेन क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ऐसा आप बहुत सारे एविडेंसेस आज भी देखोगे और पुराने लेक्चर्स में भी मैंने इस बात को कन्फर्म किया है, तो इसीलिए ऑप्शंस पर भी स्पेसिफिकली आप ध्यान देते चलना, उनके बारे में डिटेल्ड नॉलेज लेके चलना। ये हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स, इसके बारे में पीछे इन्फॉर्मेशन दी थी, आप आराम से उसको पढ़ सकते हो। दूसरा क्वेश्चन हमारे 2016 से है, इन क्वेश्चंस का पर्पस क्या है मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जो कि मैं ट्रेसिंग का ऑप्शन बता रहा हूं कि क्वेश्चन के ऑप्शन से हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं। पूछा गया था खराई कैमल के बारे में, खराई कैमल सबसे पहला ऑप्शन था कि ये बहुत ज्यादा मतलब 3 किलोमीटर के लगभग लगभग ये स्विम कर सकते हैं, दूसरा कि ये मैंग्रोव्स वगैरह खाते हैं, ग्रेज करते हैं उनके ऊपर, चरते हैं उनको, तीसरा कि ये वाइल्ड में रहते हैं और डोमेस्टिकेटेड नहीं हो सकते हैं। अब आप इस बात को अच्छे खुद समझो, यहां पर लोगों ने शेर चीता किसको डोमेस्टिकेट नहीं किया हुआ है, सबको डोमेस्टिकेट किया जा सकता है कि नहीं, ऐसा कितना भी कोई भी खतरनाक जानवर हो, आपने डेफिनेटली यूट्यूब पे और भी जगहों पर देखा होगा कि उनके साथ कितने दोस्ती कर लिए किसी ने, उनको पाल रहे हैं, इवन आप साउथ अफ्रीका चले जाओ वहां तो चीता लोग पालते हैं, लेपर्ड पालते हैं, तो डोमेस्टिकेटेड वाला हिसाब किताब तो कितने भी खूंखार जानवर उनको कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो कहीं से भी सही नहीं होता है। और कितनी बढ़िया बात है, इसको जैसे ही आप काटते हो आपके पास ऑप्शन आ जाता है 1 और 2 ओनली, इवन अगर आपको खराई कैमल के बारे में नहीं भी पता है कुछ भी तब भी, है ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब कैमल, कैमल जो है अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन आगे बना सकता है, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में, फिलहाल खराई कैमल के बारे में थोड़ा सा और यहां पर लिखा हुआ है, और प्लस यहां पर है उसकी बढ़िया सी फोटो और तस्वीर, आप इसको जरूर से पढ़ना क्योंकि इस पे क्वेश्चंस अभी अधूरे हैं और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पे, ठीक है। 2017 का एक क्वेश्चन उठाते हैं, इसमें बात की गई थी कि अभी हाल फिलहाल में लायंस को गुजरात रीजन से कहीं पर शिफ्ट किया गया है। अब देखो इस क्वेश्चन की ब्यूटी मैं आपको समझाता हूं, अगर लिखना होता किसी को या क्वेश्चन बनाना होता
सिंपल सा ये लिख सकते थे कि अभी लायंस को उनके नेचुरल हैबिटेट से कहीं पर शिफ्ट किया गया है, बताओ कौन सी जगह है। यहां पर गुजरात देने का मतलब बनता है कोई? इन्होंने सबसे पहले तो हमें ये बताया कि भाई देखो लायंस का जो नेचुरल हैबिटेट होता है ना वो गुजरात है, अब गुजरात के बेसिस पर तुम हमें बताओ कि इनको और कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, गुजरात में क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ये हमें आपको सबको पता होगा। अब जरा गुजरात के क्लाइमेटिक जोन से इनको रिलेट करके देख लो, अगर कुछ एक्सट्रीम या फिर कुछ मिलते जुलते होंगे तो उनको हम मना लेंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत ऊपर चला गया और इवन क्लाइमेटिक कंडीशंस गुजरात और यहाँ उत्तराखंड का कभी भी सही नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में मैंने नहीं सुना है अभी तक, तो यूजुअली कूनो पालपुर 2017 तक डेफिनेटली किसी ने नहीं सुना था, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक, गोला मार देते हैं कि हो सकता है। फिर एक आता है मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मुदुमलाई देखो साउथ इंडिया में पहुंच गए और वहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस थोड़े गर्म हो सकते हैं, यहां से गुजरात के कंपैरिजन में उतना अच्छा है नहीं। सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का का नाम सुनते ही आपको केवल इतना पता होना चाहिए था कि एटलीस्ट ये नेशनल पार्क्स कहां पर हैं, और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जब भी आप पढ़ते हो तो उसमें सरिस्का जरूर से पढ़ते हो। सरिस्का आता है मध्य प्रदेश में। अब आप समझो कि गुजरात से मध्य प्रदेश बगल बगल नहीं हो गया क्या? क्लाइमेटिक कंडीशन सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या क्वेश्चन में ये छिपा नहीं था कि इसका आंसर ये है? डेफिनेटली छिपा हुआ है, बस हमें पकड़ने की जरूरत थी और एक बेसिक इंफॉर्मेशन कि बाकी के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर नेशनल पार्क कहां पर हैं, ठीक है? तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही होगा और इससे भी एक क्वेश्चन रिलेट होगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। एक तो सबसे पहले आप ये समझो कि यहां पर जो लायन की बात हो रही थी गुजरात में वो गिर है। गिर जो है यहां पर आपको पता होना चाहिए था कि यहां पर एशियाटिक लायन, जब भी आप इस क्वेश्चन को अटेंड करके बाहर निकले होगे या फिर आप 2018-19 का अटेंड दे रहे होगे तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ना चाहिए था कि गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क ऐसा है जो कि एशियाटिक लायन का एकमात्र नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है? अब सोचो कि कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है और उसको दूसरा ऐसा घर बनाया गया है जहां पर हम लोग एशियाटिक लायंस को देख सकते हैं। इतनी बात हमने कर ली 2019 में, पिछले साल क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और जितने लोग का ये दावा रहता है कि भाई ओनली वाले स्टेटमेंट गलत हैं, उनको चकमा देने के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया, तीनों में ओनली लगा दिया, बोला नन ऑफ द अबव भी नहीं देंगे, अब लगाओ कितना लगा सकते हो दिमाग। तो फिर इसके बेसिस पर हमें पता चलना चाहिए था कि एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अब बताओ गिर नेशनल फॉरेस्ट बना ही इसलिए है कि वहां पर एशियाटिक लायन को रख सकें, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। अगर आपको एकदम श्योर शॉट आप नहीं भी हो तब भी आप डेफिनेटली वन स्टेटमेंट की तरफ जरूर से जाना कि ये सही है। दूसरा, डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। इंडिया ओनली का क्या, हम मैंने तो कभी कभी फोटो में ऐसा देखा नहीं। 2016-17 वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा कि कैमल, खराई कैमल की बात की थी, उसके सिंगल हम्प थे, पीठ उसकी कुछ इस तरीके से होती है, ठीक, तो सिंगल हम्प वाले होते हैं, कभी भी इनके डबल हम्प वाले नहीं मिलते हैं। डबल हम्प वाले आप देखोगे कि थोड़े दूसरे जगह पर आपको देखने को मिलेंगे, बैक्टीरिया की साइड में जाओगे तो वहां पर मिल जाएंगे, और इनफैक्ट डबल हम्प कैमल को बैक्टीरियन कैमल भी बोलते हैं। अब ये बात तो समझ में आ गई कि ये वाला जानवर अपने यहां तो नहीं मिलता है, इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट तो गलत है। दो स्टेटमेंट वैसे ही कट गए, पहला स्टेटमेंट हमने समझाई कि सही हो सकता है, बस अब तीसरे की तलाश है। वन हॉर्न राइनासोरस जो है वो केवल और केवल इंडिया में पाए जाते हैं नेचुरली। देखो ये तो हमें पता है कि वन हॉर्न राइनासोरस का कंजर्वेशन हम अपने यहाँ करते हैं, कहाँ पे करते हैं अब आपको ये बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि वन हॉर्न राइनासोरस को हम अपने यहाँ किस फेमस प्लेस पर इनको कंजर्व कर रहे हैं। अभी बहुत सारे इनके लिए कंजर्वेशन प्रोग्राम भी चलाए जा चुके हैं, उसमें न्यूज में बहुत जगह रहता है कि हाँ यहाँ पर भी है, कुछ नेपाल में भी कुछ रीजन्स हैं, कुछ इधर उधर के आसपास के देश में, भूटान में आप देख सकते हो, मतलब इस तरीके से बहुत सारा रीजन है, इवन थोड़ा सा पाकिस्तान वाला रीजन भी आता है, उतने सब जगह पर यहाँ पर मिलते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी मोर और लेस गलत ही होता है। हमारा आंसर आ चुका है, आंसर है वन ओनली, जिसमें हमें पहले भी कॉन्फिडेंस था और जिसपे क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी थी पिछले सालों में, डिराइव किया ना हमने। ये देखो ये वन हॉर्न राइनोसेरोस का हैबिटेबल रीजन है जहां पर इसको हम लोग नेचुरली पा सकते हैं, हिस्टोरिकली हमने यहां पर इनको पाया है, तो ये सब इसके नेचुरल हैबिटेट में ही काउंटर करते हैं, मतलब इस पे हम लोग काउंट कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम लोग कुछ कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं जहां पर उनका हम लोग बोल सकते हो कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन उनका कहां पर है। तो जो भी ग्रीन ग्रीन कलर के आप यहां पर पोर्शंस देख रहे होगे, इन ग्रीन पोर्शंस पर आपको डेफिनेटली वन हॉर्न राइनोसेरोस अभी दिख जाएंगे, ठीक है, ओके। इसके अलावा देखो यहाँ पर बहुत सारी नाम भी लिखे हुए हैं, आप थोड़ा सा अगर जूम आउट करके इसको देख सकते हो,
सॉरी जूम इन करके देख सकते हो तो आपको दिखेगा। आप जब पीडीएफ डाउनलोड करना इसकी टेलीग्राम ग्रुप से, तो वहां से इसको जूम जूम इन करके देखना कि यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं। इन नाम को पढ़ लेना, आइडिया लग जाएगा कि वन हॉर्न राइनोसोरस कहाँ मिलते हैं। एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी यहाँ दी हुई है, और एशियाटिक लायन जो कि नेचुरली फाउंड केवल और केवल इंडिया में ही मिलता है, इसलिए वो और प्लस वन हॉर्न राइनोसोरस नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इन सब जगहों पर देखने को मिलता है। अब आप इनकी फोटो देख लो, ये वाले ऊँट अपने यहाँ कभी देखने को मिलते हैं क्या? नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए दूसरा ऑप्शन हमने बहुत तेजी से एलिमिनेट किया था। 19 में एक और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आया, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको अटेंड नहीं किया था क्योंकि समझ में नहीं आया, इतना इतना खतरनाक क्वेश्चन उनको लगा कि वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, इवन मैं भी इसको मानता हूँ कि वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था जिसको कि पूछा गया। यहाँ पर भी जैसे कि यहाँ पर आपने देखा हर क्वेश्चन में मैं आपको मैप शो कर रहा हूँ। क्यों शो कर रहा हूँ? क्योंकि उसकी ज़रूरत है, उसके बिना आप चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाओगे कभी भी। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से है, अगर आपने मैप नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपने बायोस्फीयर रिजर्व रट ली है, अभी कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं अभी अपने इंडिया में टोटल, और मैप के अंदर में कितने आते हैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में, आप ये मुझे फटाफट से बताओगे। बात कुछ ऐसी है कि जब भी आप बायोस्फीयर रिजर्व को पढ़ोगे अब से, आप ध्यान दोगे कि आप इस साइट पर जाके एटलीस्ट पहला पैराग्राफ जरूर पढ़ना। ये ऑफिशियल साइट है यूनेस्को का, और यूनेस्को पे जितने भी इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है। बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल पहला पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर पता चलता है कि इट कंटेन्स 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एक है शेंडुरने, एक है पेप्पारा, एक है नेयार और एक है कलक्कड़ मुंडन थरई। ठीक, यही चार नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, नेयार, पेप्पारा, शेंडुरने और कलक्कड़ मुंडन थरई। सोर्सेस मैंने आपको बता दिए कहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आप एक बार फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इनको पढ़ लेना एक बार, बायोस्फीयर रिजर्व एक एक पैराग्राफ ही तो पढ़ना है, मुझे लगता है 1 घंटे लगेंगे मुश्किल से, तो आप उसको फटाफट से पढ़ लेना। कुछ अगर इंपॉर्टेंट नोट्स बन सकते हैं तो इंपॉर्टेंट नोट्स ले लेना, या फिर सिंपली मोबाइल से पढ़ रहे हो तो स्नैपशॉट ले लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। स्नैपशॉट लेके एक फोल्डर में उसको बना दे, या फिर उसका पीडीएफ बना लो कैम स्कैनर से। ये सब बिल्कुल शॉर्ट चीजें होती हैं जिसको आप बार बार रिवाइज भी कर सकते हो। तो इससे ये तो पता चल गया कि ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है, लेकिन अब हमें बाकी के 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे करने हैं उसके बेसिस पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मुझे पता है कि कोई भी इंसान इतना डिटेल में इन सबको नहीं पढ़ता है, बिल्कुल फैक्ट स्टेटमेंट है ये, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क, दूसरा वायनाड वाइल्ड लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, तीसरा मुकुर्थी नेशनल पार्क, और इसमें से एक नागार्जुन सागर सिरिसेलम टाइगर रिजर्व, इतना डेफिनेटली लोग पढ़ते हैं। जब भी हम लोग बात करेंगे अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का, तो हमने पढ़ा कि वो लगभग लगभग कन्याकुमारी के पास में यहाँ पर है कुछ इस वाली रीजन में, लेकिन उसके आगे जब भी हम बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि साइलेंट वैली कुछ यहाँ पर है, वायनाड यहाँ पर है, और इवन नागार्जुन सागर सिरिसेलम तो ये ऊपर आंध्र प्रदेश में मिलता है। हो गए ना ऑप्शन एलिमिनेट, मैप अगर पढ़ा होता तो चीजें आसान होती कि नहीं होती, है ना। तो यहाँ पर एक छोटा सा डिटेल मैंने आपके लिए रख रखा है, और साथ ही साथ हम एक मैप पर नजर डालेंगे कि यहाँ पर तो हमने पढ़ा कि अगस्त है मलाई बायोस्फीयर रिजर्व होगा यहाँ पर, उसके बेसिस पर हमारा साइलेंट वैली नेशनल पार्क कुछ यहाँ पर है ये वाला रीजन, वायनाड यहाँ पर है, और चौथा जो यहाँ पर इस वाले मैप में नहीं शो हो पाया वो है नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, वो कहाँ पर है? यहाँ पर है लगभग, मतलब और ऊपर बीच में यहाँ पर, या फिर और ऊपर इधर कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि चीजें बहुत डिफरेंस पे दिया हुआ था, हम चाहते तो इजीली ट्रेस कर सकते थे अगर हमने मैप थोड़ा भी पढ़ा होता। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया था, ऐसे क्वेश्चंस आप यूपीएससी से एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जैसे कि और भी कुछ आप लोग इस चीज को पढ़ो जो कि वहां पर दिया हुआ है, उसमें से एक सत्यमंगलम, दूसरा मुकुर्थी, तीसरा मुदुमलाई, इन सबके भी रीजंस को आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पर हैं कुछ तमिलनाडु के इस वाले पोर्शन में, मैं यहाँ पर जूम इन करके इस चीज़ों को दिखा रहा हूँ। फिर एक अगला क्वेश्चन 2019 का वापस से लेते हैं, और यहाँ पर आप देखोगे पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं पहला। अब यहाँ पर फिर एक वो आता है कि 2019 में एकदम पूरा चैप्टर बदलने की कोशिश की गई थी कि तुम ओनली ओनली के लिए चलाते हो, तीनों ऑप्शन में ओनली देंगे, सम के लिए तुम कहते हो चलो चारों ऑप्शन में सम देंगे, बट यहाँ पर वो खेल नहीं पाया अच्छे से, क्योंकि जब भी सम वाला काइंड आता है ना तो उसमें से अगर एक भी ऐसा हो गया तो काफ़ी कोशिश हो, मतलब काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो सही हो जाए। तो हमने पढ़ना क्वेश्चन स्टार्ट किया,
और टर्टल्स जो वो हर्बीवोरस होते हैं, कुछ स्पीशीज तो हम बोल सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली होते हैं, घास वास खाते हैं। फिर फिश, फिश भी हर्बीवोरस होती हैं। देखो होती हैं, इसके पहले ही अभी जैसे कि 2019 में हमने ये देख लिया था, अभी 2014 2015 का एक क्वेश्चन अभी हम और भी देखेंगे, उसमें यही लिखा हुआ है कि जो अपने कुछ फिश की प्रजातियां लिखी हुई हैं वो लिखा गया है कि वो हर्बीवोरस है। वहीं से वो बात पता चल जाती थी कि हाँ कुछ अगर वो हर्बीवोरस है तो फिश की कुछ एक प्रजाति तो हर्बीवोरस हो ही गई। और वैसे भी जनरल साइंस में, जनरल नॉलेज में हमें आपको पता ही होता है कि कुछ मछलियां तो वहां पर घास वास खाती ही होंगी पानी के अंदर वाले, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। दूसरा, मराइन मैमल्स आर हर्बीवोरस, तो मराइन मैमल्स भी हर्बीवोरस हो सकते हैं, फिश के साथ साथ मैराइन मैमल्स भी हर्बीवोरस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट चेंज किया कि सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विवीपैरस। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हमें आपको विवीपैरस का मतलब ही ना पता हो, तो फिर कोई बात नहीं, हमने हिंदी में देखा फटाफट से। ऐसा हमेशा करना, जब भी इंग्लिश में वर्ड्स ना समझ में तुरंत हिंदी हिंदी को देख लेना। यहाँ पर दिया हुआ था सजीव प्रजक, थोड़ा कठिन है, बट थोड़ा सा अगर हम इसको नाम दें तो प्रजक मतलब प्रजनन वाले हिसाब किताब से कुछ होता है, सजीव मतलब जिंदा, मतलब कि जो कि दो चीजें होती हैं, एक होता है ओवी पैरस जो कि अंडे देते हैं, एग लाइंग एनिमल्स, एग लाइंग एनिमल्स सॉरी, विवी पैरस होते हैं जो कि सीधे बच्चे पैदा करते हैं, जैसे कि इंसान, इंसान विवी पैरस है। तो क्या कुछ स्नेक की प्रजाति भी विवी पैरस होती हैं? दो कुछ तो हो ही सकती हैं, एक भी हो गई तो भी ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और क्या सारे सांपों की प्रजाति हमें देखने को मिल गई है? जितनी भी इस दुनिया में सांपों की प्रजाति होती हैं वो क्या हम सब खोज चुके हैं? तो सोचो जो नई खोजे अगर उनमें से कोई स्पेशीज निकल जाए, तो ऐसा तो बोला नहीं है कि अभी तक बताओ, कुछ भी है नहीं ना। तो इस स्टेटमेंट को गलत होने के चांसेस मुझे नहीं लगते कि हैं, तो ये डेफिनेटली स्टेटमेंट सही होना ही चाहिए। चौथा स्टेटमेंट, चारों ऑप्शन सही होंगे इसके, और इनफैक्ट इन सबके साथ ये कंडीशन लाई करता है, तो चारों स्टेटमेंट सही है इसके। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सभी स्पेशीज के लिए कुछ एग्जाम्पल्स और उनके कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिए हुए हैं। मैं भगा देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको पढ़ते नहीं हो, आप इनको पढ़ लिया करो, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि ये ग्रीन कोबरा, ये विवीपैरस है, बच्चे देता है ये। 2019 में एक और क्वेश्चन आता है जिसके बेसिस पर यह समझ में आता है कि भाई आप देखो कि कौन कौन से रिवर में आपको पता है कि क्या क्या मिलता है। अब ये ब्लू फिंड महशीर, रस्टी स्पॉटेड कैट, ये सब नहीं पढ़ेगा कोई भी, कौन पढ़ेगा यार ये? कभी कोई पढ़ेगा कि कौन से कावेरी नदी में ब्लू फिंड महशीर पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? नहीं। लेकिन उसका तोड़ भी सेकेंड स्टेटमेंट में है, इरावदी डॉल्फिन। ये तो इरावदी म्यांमार वाले रिवर्स में फ्लो करने वाली जो होंगी वो इरावदी होंगी, वो चंबल नदी में कैसे आ सकती हैं? जैसे ही इसको एलिमिनेट किया हमारा आंसर आ गया 1 और 3 ओनली, बिल्कुल सिंपल सा था ये तो। ठीक है, इन सबके बारे में भी हमें पढ़ लेना चाहिए। फिलहाल आप ये समझो कि चंबल रिवर में ये तो कभी नहीं पाए जाएंगी। ठीक है, इरावदी डॉल्फिन अपने यहाँ पर, ये चिलिका लेक, इन सब जगह पर आती हैं, मतलब वेस्ट बंगाल वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाएंगी, सुंदरबंस में मिल जाएंगी, बट आपको और इधर उधर नहीं मिलेंगी। ठीक है, अंदर तक नहीं आएंगी ये लोग। फिर 2018 का एक क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे कोरल रीफ्स जो है ना वो ट्रॉपिकल वाटर्स में पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा कोरल रीफ्स का वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में पाया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि एनिमल फाइला के हिसाब से अगर हम बात करें तो कोरल रीफ्स के पास जितना एनिमल फाइला है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले से कहीं ज्यादा है। ठीक है, फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब यहां पर बात पकड़ने की थी, एक तो हमें पता है कि भाई कोरल रीफ्स जो होते हैं वो नियर अबाउट 20 से 25 या 27 डिग्री सेल्सियस ऐसे कुछ करके इन्हीं टेम्परेचर में पाए जाते हैं, तो ट्रॉपिकल वाटर्स के लिए सबसे परफेक्ट है। और इवन हमने कभी भी मैप में देखा होगा तो हम इस बारे में एकदम श्योर शॉट होकर बात कर सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट सही होगा, एक हमारा ऑप्शन तो कट गया। दूसरी बात आती है कि एक तिहाई हिस्सा से ज्यादा कोरल रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में पाए जाते हैं। इसके लिए भी अगर आपने एक बार मैप देखा होता तो आपको समझ में आता कि इस रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है कि नहीं है, आप खुद ही देख लो। इंडोनेशिया, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में तो द ग्रेट बैरियर रीफ को हम लोग पढ़ते हैं, खुद ही समझो। अब देखो यहाँ पर कुछ लोग डेफिनेटली ऑप्शन में नीचे कमेंट सेक्शन में ऐसा बोल सकते हैं कि इंडिया का मैप सर आप अच्छा वाला लिया करो, ये वाला। देखो क्या है कि अब इन सब चीज़ों को हम तो कभी प्रमोट नहीं करेंगे, और इंडिया हमेशा से, और ये वाला रीजन जो भी है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर सियाचिन वाला हिस्सा, वो अपना ही है, उसको कोई दिखाए ना दिखाए इन सब के पीछे हमें भागना नहीं चाहिए। और जरूरी नहीं है कि हम अगर इस मैप को यूज़ कर रहे हैं तो हमारी थॉट इस मैप के अकॉर्डिंग है,
मेरा पर्पस एजुकेशनल पर्पस का होता है ये दिखाना कि हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। फिर भी अगर किसी को ठोस पहुंचती है तो मैं अपना पॉइंट बहुत क्लियर करता हूं कि इंडिया पर जो भी हिस्सा यहां पर पीओके और सियाचिन का है वो इंडिया का ही है, और इस पे ओनली आईएस की पूरी टीम और मैं सब मानते हैं और इस पे अपना ही हक है। ठीक है, कुछ दिन में तो पाकिस्तान का भी कुछ होने वाला है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है। ओके, तो यहां पर आपको पता चला कि 1/3 से ज्यादा आपको नहीं पता है कि कितना परसेंटेज ऑस्ट्रेलिया का है। आगे अभी ऑप्शंस में ये भी मैंने लिख दिया है कितना कितना परसेंट हो सकता है इन सबका, यहां पर लिखा हुआ है। बट इनफैक्ट 40% के नियर अबाउट अगर आप बात करोगे, 35% 40%, तो कुछ ना कुछ करके वो इस रीजन में देखने से ही पता चल जा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़े कि कोरल रीफ्स जो होते हैं एनिमल फाइला। अब सबसे बड़ी बात ये है ना कि यहां पर एनिमल स्पेशीज की बात नहीं करके एनिमल फाइला की बात किया है। फाइला में वही प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंटरेट्स, प्लैटी हेलमिंथीस, निमेटी हेलमिंथीस, इस तरीके से आते हैं सारे। अब सोचो इसमें से मैक्सिमम तो आपको कोरल रीफ्स के पास मिल ही जाएंगे, एक बर्ड नहीं मिल सकती, और इवन बर्ड भी कभी कभी कोरल रीफ्स के पास आती ही है। दूसरा आपको मैमल्स बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो मैमल्स वगैरह तो एक छोटा सा पोर्शन है एनिमल फाइला का। एनिमल फाइला अपने आप में बहुत बड़ा है, और इनकी नंबर ऑफ एनिमल फाइला की बात करेंगे तो मैक्सिमम नंबर कोरल रीफ्स में पाए जाते हैं। और इवन हम लोग तो ये भी कहते हैं कि कोरल रीफ्स जो है वो पूरे प्लैनेट का वन ऑफ द रिचेस्ट बायोडाइवर्स रीजन है। तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट भी सही होता है। जनरली तीनों स्टेटमेंट सही है। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चीजें आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। आप कोरल रीफ को देख सकते हो, बहुत ही रिच डाइवर्सिटी होती है इनकी। 2017 में एक क्वेश्चन आया था कि कुछ रीजन के कारण हम लोग ये देख रहे हैं कि बटरफ्लाई की स्पीशीज में, इनकी पॉपुलेशन में कुछ कमियां दिख रही हैं। अभी इसके पहले ही एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो पता नहीं यहां पर इंक्लूड क्यों नहीं किया मैंने, कि एक न्यूज में था, करंट अफेयर्स का वो न्यूज था कि किसी स्टेट ने अभी किसी बटरफ्लाई को अपना नेशनल बटरफ्लाई घोषित, मतलब नेशनल नहीं मतलब स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। तो वो कौन सा स्टेट है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन फिर से आता है कि बटरफ्लाईज की स्पीशीज जो हैं उनके पॉपुलेशन में काफी हद तक गिरावट देखने को मिलता है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देखो अभी कल वाले इमेजेस में हमने देखा था कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए ऐसे इंसेक्ट्स या फिर ऐसे बटरफ्लाईज काम में आते हैं। अब पॉलिनेशन के लिए तो डेफिनेटली ये होंगे ही होंगे, कि एडवर्सली अफेक्ट नहीं होगा, जब इनकी तादाद कम होगी तो पॉलिनेशन में भी कमी आएगी, क्रॉस पॉलिनेशन में। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, ड्रास्टिक इंक्रीज होगा फंगल इन्फेक्शन में। अब आप वर्ड्स पर जरा ध्यान देना, ड्रास्टिक इंक्रीज की बात किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इट कुड लीड टू अ फॉल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज, जैसे कि वास्प, पढ़ा होगा वास्प, मतलब समझते हो ना, एंटमैन एंड द वास्प मूवी देखी होगी, स्पाइडर्स और बर्ड्स, तो उनके पॉपुलेशन में भाई इनका खाना है ये, तो जब ये कम होंगे तो उनके पॉपुलेशन पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। और स्टेटमेंट देखो प्यार से लिखा गया, कुड लीड टू द फॉल, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज तो हैं ही भाई, लेकिन ड्रास्टिक इंक्रीज ये नहीं चल पाएगा। और जैसे ही ये नहीं चल पाया दो स्टेटमेंट खारिज हो गए, और हमें पता है कि दोनों स्टेटमेंट बाकी सही हैं, तो 1/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। 2016 में एक क्वेश्चन आता है रेड सैंडर्स का। रेड सैंडर्स के बारे में बताना है हमें कि कुछ न्यूज में रहता है हमेशा, बताओ उस टाइम पर क्या हुआ था 2016 में, मैं आपको बताऊं। और इवन अभी भी आप देखोगे, मार्च का न्यूज उठा लो, अभी लास्ट मंथ का ही उठा लो, कम से कम आपको 6 से 7 न्यूज मिल जाएंगे जिसमें रेड सैंडर्स न्यूज में था, और अभी भी ये न्यूज में, इसीलिए मुझे लगता है कि ये अभी भी अच्छा खासा आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बन सकती हैं रेड सैंडर्स से। इलीगल इसका आप देखोगे कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और इलीगल एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है रेड सैंडर्स का, कीमत ही ऐसी है। आप देखोगे कि अगर आप फॉरेस्ट में चले जाओ और गलती से भी आपने 1 किलो रेड सैंडर काट लिए वहां से, तो आप समझो कि आपके 2,000 रुपए बन गए। यही अगर आपने थोड़े से मार्केट में भेज दिया तो ये 2,000 से बढ़ के आप समझो कि लगभग लगभग 10,000 के लगभग पहुंच गया, 10,000 12,000। और गलती से भी अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच गए तो इसका कीमत 20,000 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। और इसमें वेरिएशंस भी आ सकते हैं, ये मैंने बस एक जनरल नंबर आपको बताया है। तो इस तरीके से रेड सैंडर्स की कीमत है, आप समझ रहे हो, एक पेड़ काटोगे तो कितना पैसा कमाओगे। तो इसीलिए इसकी इलीगल एक्सपोर्ट्स वगैरह बहुत होता है, चाइना में होता है, इंडोनेशियन कंट्री में होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका कलर ऐसा है, बिल्कुल रेड कलर का होता है। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ एक बार, ये है रेड सैंडर्स, इनके बीड्स बनते हैं, इनके डॉल बनते हैं, इनके फर्नीचर बनते हैं, तो इन सब तरीके से बहुत ही प्रेशियस आइटम्स बनते हैं और उनका मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है।
इसीलिए ये इतना ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं हमेशा से। उस टाइम पर भी थे क्योंकि उस टाइम पर बहुत ही बड़ा जत्था जो है वो पाया गया था। अभी क्या है, वो लोग तमिलनाडु वाले रीजन से लेके जाते थे इसको, लेकिन अभी उन्होंने अपना रूट चेंज कर दिया है। वो लोग कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ एक बार। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग लगभग इसको रेड गोल्ड जब हम बुला रहे हैं तो पुलिस का हमेशा छापा पड़ता रहता है, और ये आपके आंध्र प्रदेश के कडप्पा एक रीजन है, और वहीं पर आप देख सकते हो पोर्ट भी है हमारे पास एक, वहां पर ये जाता है और वहां से फिर चुपके से एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग इसको। तो इसीलिए क्या होता है, कुछ नहीं होगा अगर आप एक बड़ा से ट्रक में अगर लकड़ी भर रहे हो, अंदर अंदर आपने रेड सैंडर्स भर के ऊपर ऊपर बड़ी गट्ठी मतलब बड़े बड़े पेड़ के टहनियां रख दी, तो उसको हटा के थोड़ी ना कोई चेक करेगा हर बार। तो इसीलिए काफी आसानी से इसको ये लोग दूसरे कंट्री में पहुंचा देते हैं। लेकिन फिर भी इसके लिए अब एक्शन टास्क फोर्स बनाए गए हैं, बहुत सारे एक्शन टास्क फोर्स बना दिए गए हैं जो कि हर बार पकड़ते हैं। और इवन अभी मार्च में भी जैसे मैं बता रहा हूँ, कहीं पर 4 करोड़ का माल पकड़ा जा रहा है, कहीं पर 20 लाख का माल पकड़ा जा रहा है रेड सैंडर्स का, तो ऐसा चलता रहता है। लाल चंदन आप लोगों ने सुना होगा ना, वही है रेड सैंडर्स, लाल चंदन की लकड़ी है ये, तो मजबूत भी होती है, फर्नीचर वगैरह में भी बड़ा बढ़िया काम आती है ये। साउथ इंडिया की एक ट्री स्पेसीज है रेड सैंडर्स, डेफिनेटली ये स्टेटमेंट तो कहीं भी गलत हो ही नहीं सकता है। दूसरा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में मिलता है साउथ इंडिया के। अब देखो ये एक थोड़ा सा ड्यूबियस स्टेटमेंट हो गया है, क्योंकि साउथ इंडिया वाले रीजन में आप डिसीडियस फॉरेस्ट देख सकते हो, इवन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी देख सकते हो, लेकिन बहुत ही लिमिटेड रीजन में देख सकते हो। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का तो नहीं है, ये ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट में होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट तो गलत है। वन ओनली इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन कुछ यहां पर दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लेना, थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट में या फिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में, इन सब जगहों पर इसको पाया जाता है। ओके इसकी कहानी भी सुन ली। 2016 में एक और क्वेश्चन आया था हमारे पास कि हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं जो कि बनाना की एक अच्छी खासी स्पेशीज पा रहे हैं, और उसकी हाइट लगभग लगभग उस पेड़ की हाइट 11 मीटर है, उसके अंदर से एक ऑरेंज कलर्ड का फ्रूट पल्प निकलता है, काफी रोचक है क्वेश्चन, सुनने में बड़ा रोचक है। उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया और पूछा गया है कि कौन से पार्ट में डिस्कवर किया गया है। अब देखो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली किसी को पता होगा तो पता होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसका नाम ही कुछ ऐसा है कि अगर आपने इसका नाम समझा होता तो आप बता सकते थे। एक्चुअल में इसका साइंटिफिक नेम है मस्क एंड अंडमानेंसिस, ठीक है, उसमें अंडमान आ रहा है, बहुत क्लियरली इस तरीके से नाम रखा गया है इसका, तो अंडमान आइलैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। बस हमें पता करना था कि इसका साइंटिफिक नेम, जैसे न्यूज में जब भी आता है ना तो साइंटिफिक नेम लिखा होता है। अभी भी ऐसे बहुत सारे स्पीशीज हैं किसी साइंटिस्ट के नाम पर या फिर किसी पर्टिकुलर आप बोल सकते हो प्लेस के नाम पर उनका साइंटिफिक नेम रखा जाता है, ठीक है। तो आप बता सकते हो अभी हाल फिलहाल में किसी एक फ्लावर का नाम रखा गया है और साउथ रीजन का ही है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप उसको एक बार देखना, सर्च करना न्यूज में, और उसको भी मतलब ऐसे जितने भी स्पेशीज होते हैं जो कि किसी स्पेशल पर्सन के नाम पर या फिर किसी स्पेशल प्लेस के नाम पर रखे जाते हैं तो उनको पढ़ जरूर से लेना, ठीक है। क्या नाम है, मूसा, सॉरी मस्क बोल दिया गया मैंने, सॉरी सॉरी, मूसा इंड अंडमानसिस, अंडमानेंसिस, काफी कठिन नाम है लेकिन हाँ अंडमान नाम क्लियरली आ रहा है, ठीक है। यहां पर आप देखो ये लोकेटेड है कृष्णा नाला फॉरेस्ट में, तो इसके जरा लोकेशन देख लेना कृष्णा नाला फॉरेस्ट का कहां पर है मैप में, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है ना कि ये काफी स्वीट नेचर का बनाना था, बड़ा ही अजूबा था कि जो उसके क्या बोलते हैं पूरा गुच्छा आता है ना, लक्स जिसको बोलते हैं फ्रूट लक्स, यहाँ पर आप इमेज देखो, इमेज तो थोड़ी देखने में गंदी लगेगी आपको लेकिन है कुछ ऐसा, ये है फ्रूट लक्स, तो इसका लक्स जो है ना नॉर्मल बनाना लक्स लक्स से कम 3 गुना बड़ा होता है, 1-1 मीटर लंबे जगहों पर इसमें फूल लगते हैं, सॉरी फ्रूट्स लगते हैं। 2016 में एक क्वेश्चन आया ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के ऊपर, ये बोला गया कि अभी रिसेंटली हमेशा से देखने में आया है और इसका नेचुरल हैबिटेट क्या है। देखो नेचुरल हैबिटेट पर क्वेश्चन बहुत बनता है, अभी जैसे हमने गिर फॉरेस्ट लायन के लिए देखा, इस तरीके से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, यहां पर भी मैप की सख्त जरूरत है। हमें पता था कि देखो एक तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाया जाता है क्योंकि वहां पर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, वहां का स्टेट बर्ड भी हॉर्नबिल है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, कौन से स्टेट का जरा फटाफट से बता दो मुझे। तो अब देखो क्या होता है कि यहां पर कभी भी नॉर्थ ईस्ट रीजन आपको देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया बोला गया है, तो इसीलिए कंफ्यूजन हटा दी यूपीएससी ने पहले ही, अब आपको दूसरा रीजन पता होना चाहिए था। अगर आपने थोड़ा भी मैप पढ़ा होगा तो आप बताओगे कि ग्रेट हॉर्नबिल जो होता है वो या तो वेस्टर्न घाट में पाया जाएगा या फिर यहां पाया जाएगा, और आप इस तरीके से भी देखोगे कि यहां का क्लाइमेटिक कंडीशन जो ऊपर ऊपर वाले होते हैं
वो यहाँ के वेस्टर्न घाट के ऊपर ऊपर वाले क्लाइमेटिक कंडीशन से भी सिमिलर होता है, इसलिए भी थोड़ा सा अंदाजा अगर आपको नहीं भी पता होता तो आप लगा सकते थे, लेकिन फिर भी ठीक है, इतना दूर का मैं नहीं सोचता हूँ और एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ किसी से, बट स्टिल आपको मैप पता होना चाहिए था हॉर्नबिल का, और इसकी वजह से क्या आंसर आता है हमारा, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ओके, मैप की जरूरत है, ये है हमारे सुंदर प्यारे हॉर्नबिल, ठीक है, बहुत सुंदर है, बहुत यूनिक है, नेचुरल हैबिटेट पता होना ही चाहिए। जरा इनके लिए ये भी बता देना मुझे कि इनकी रेड लिस्ट डेटा में ये किस कैटेगरी में आते हैं, या फिर शेड्यूल के हिसाब से मुझे बता देना कि वाइल्ड लाइफ वाले एक्ट में ये कौन से शेड्यूल में आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाले में। फिर एक 2015 का क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें ये बताया गया कि नेशनल पार्क अपने आप में यूनिक होते हैं, मतलब यूनिक हैं, यहाँ पर फ्लोटिंग वेजिटेशन स्वैम्पी एरियाज में पाए जाते हैं, बताओ कि कौन सा है। अब ये क्वेश्चन तो मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा, इतना फेमस हो चुका है, कौन सा है, बिल्कुल बढ़िया, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, फुमडीज मिलते हैं यहाँ पर इस तरीके से, फुमडीज लोकटक लेक के साउथ ईस्टर्न साइड में आप देख सकते हो इसके कि ये आपको नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मिल जाएगा, रामसार साइट्स भी है, और विश्व का एकमात्र ऐसा फ्लोटिंग पार्क है। ठीक है, ओके, 2015 में ड्यूगोंग के रेस्पेक्ट में भी एक क्वेश्चन आता है, यहां पर इसके लिए बोला जाता है कि ये एक हर्बीवोरस मैराइन एनिमल है, तो इसीलिए मैंने बोला था जब हमने वो क्वेश्चन दिया था कि सम स्पेसीज ऑफ मैराइन एनिमल्स आर हर्बीवोरस इन नेचर, पकड़ में आया कि नहीं, देखो 2019 का क्वेश्चन था, 2015 से रिलेट हुआ, हर्बीवोरस मैराइन एनिमल, आपको पता होना चाहिए था कि डुगोंग इज वन ऑफ देम जिसके जो कि मैराइन एनिमल हर्बीवोरस नेचर का है, डेफिनेटली ये ऐसा है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कि ये इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया पे पाया जाता है, कि भाई देखो ये ऐसे जहां पर भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आते हैं वहां पर थोड़ा रुक जाना चाहिए, सोचना चाहिए, स्टेटमेंट गलत हो सकता है, इसके वजह से हमने दो स्टेटमेंट काटे, पहला स्टेटमेंट हमें पता है कि सही है, थर्ड स्टेटमेंट डेफिनेटली सही है इसके हिसाब से, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी कि ये शेड्यूल वन में आता है, शेड्यूल टू में आता है, कौन से शेड्यूल में आता है हमें क्या पता, इतना थोड़ी ना याद करते जाएंगे कि हम एक एक स्पेशीज को याद रख रहे हैं, लेकिन फिर भी शेड्यूल वन के एटलीस्ट आप स्पेशीज को ध्यान रखने की कोशिश करना कि हाँ एक बार दो बार तीन बार चार बार पढ़े रहोगे ना तो चीजें रिकॉल हो जाती हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिकली बैठ कर रटो मत उस चीज को, बट हाँ शेड्यूल वन में जो भी इंपॉर्टेंट एनिमल्स है उनको एक बार देख लेना केवल। ड्यूगोंग, तो इस बेसिस पर हमारा ऑप्शन आ गया सी, वन एंड थ्री इज द करेक्ट आंसर, बढ़िया है। अब आप देखो कि ड्यूगोंग का ड्यूगोंग पाए कहाँ जाते हैं, तो आप देखो कि मेजरली पोर्शन कहां पर देखने को मिल रहा है इस वाले रीजन में, और कभी यूपीएससी इस तरीके से स्टेटमेंट बनाए कि इनका मेजर पोर्शंस जो हैं वो इंडोनेशिया, फिलीपींस, हमारे ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया वाले बॉर्डर पाया जाता है, तो हाँ बोल देना, गलत मत करके आना इस क्वेश्चन को, ठीक है, मैप देख लो ड्यूगोंग का कहाँ है। ओके, इसके बारे में कुछ इस यहां पर दिया हुआ है, इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आप देखो जरा, पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, और ये इंटायर ईस्टर्न कोस्ट पर, सॉरी वेस्टर्न कोस्ट पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली बातें हो गई। क्वेश्चन आया क्यों मैं आपको बताता हूं, 2015 में जब ये हो रहा था तो उस टाइम पर एक न्यूज आई थी, 2015 जून जुलाई के मौसम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था न्यूज में, बहुत दिन तक बना रहा था ये उस टाइम पर, कि बहुत सारी स्पीशीज हैं ड्यूगोंग की जिनको थ्रेट है। थ्रेट किस बात से है, थ्रेट इस बात से है कि भाई पॉपुलेशन इनकी अगर देखा जाए दिन पर दिन कम हो रही है, और प्लस जिस हिसाब से इनकी पोचिंग हो रही है, या फिर आप देखो कि फिश क्रॉल्स, या फिर इस तरीके से पॉल्यूशन आप बोल सकते हो, इन सब जगहों से इनका दिन पर दिन कम ही देखने को मिल रहा है। इनका उम्र 70 साल तक होता है, और ये शांत पानियों में रहने की बात करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अपने यहाँ पर तीन चार जगह हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ कच्छ, इन सब जगह पर पाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन 2014 में फिर से देखो इस चीज को, इसमें बोला गया कि गैंजिस रिवर डॉल्फिन के बारे में जरा बढ़िया से बताओ कि क्या पॉसिबल रीजंस हैं कि इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। यहां पर एक चीज तो बोल दिया कि भाई डॉल्फिन की पोचिंग होती है, तो ये मत बता देना, पोचिंग तो हमें पता है, तुम दूसरा वाला बताओ। दूसरा वाला बताने के लिए पहला बताया कि भाई डैम्स और बैरेजेस रिवर्स में बन रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि गैंजिस रिवर डॉल्फिन्स कहाँ पाई जाती हैं, लिखा हुआ है गंगा नदी में पाई जाती हैं। अब इतना पता चल गया तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है गंगा नदी पर, हमें पता है कि बहुत सारे डैम्स बैरेजेस पाए जा रहे हैं, और इनसे जानवरों और यहाँ के जो भी ऐसे डॉल्फिन्स फिशेज हैं वहाँ पर उनको फर्क पड़ता है, तो पहला स्टेटमेंट तो जनरल सा है, सही ही होगा। पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल के बढ़ने से इनका इनकी तादाद कम हो रही है, कि इसका कहना ये होगा कि भाई नदियों में क्रोकोडाइल दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और इसकी वजह से डॉल्फिन की संख्या कम होती जा रही है।
आप खुद ही बताओ, क्रोकोडाइल की संख्या बढ़ रही है क्या? मतलब ये स्टेटमेंट सही है? और अगर सही भी है तो क्या क्रोकोडाइल डॉल्फिन को खाते हैं क्या? नहीं, मतलब ऐसा आप अपने हिसाब से, मतलब जनरल साइंस का या फिर जनरल नॉलेज से आप अंदाजा लगा सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। जैसे सेकंड स्टेटमेंट गलत करोगे अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट्स एक्सीडेंटली, हो सकता है, एकदम हो सकता है। सिंथेटिक फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो पॉल्यूशन वहां तक पहुंच जाता होगा, नदियों तक। और हमें पता ही है कि अपने एल्यूवियल सॉइल पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कितनी ज्यादा होती है, वहां पर हम लोग कितना ज्यादा सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं। बस बिल्कुल सही है, आंसर आ गया हमारा और आसान भी है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा है। आज के लिए मैंने PDF इसीलिए आपको अभी तुरंत में अपलोड कर दे रहा हूँ। आप तुरंत के तुरंत जाके इन चीजों को देख जरूर से लेना। फिर एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया क्या है। अब भाई 2014 में जब उन्होंने पूछा कि गैंजेस रिवर डॉल्फिन क्यों धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, क्या पॉसिबल रीजन है, पढ़ना चाहिए ना कि गैंजेस रिवर डॉल्फिन है कौन सी। 2009 में इसको अपना नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया था। वही 2015 में घूम के क्वेश्चन आ गया। अब बताओ कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया कौन है? कौन है? गैंजेटिक डॉल्फिन है, और कौन है? सी ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट है। अब यहां पर एक बात का ध्यान देना, यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, दूसरा ऑप्शन है ऑलिव रिडले टर्टल, तीसरा ऑप्शन है घड़ियाल। अब इन तीनों की कहानी क्या है वो मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में जरूर से बताऊंगा, ठीक है? इनकी कहानी इन द सेंस कि कहां से हम ऑप्शंस को ट्रेस करके हम फ्यूचर क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मैं वो बता रहा हूं आपको। ये क्रोकोडाइल की बात की है ना, तो क्रोकोडाइल का भी क्वेश्चन देंगे ये। ऑलिव रिडले टर्टल हमें पता ही है कि इतने सालों से न्यूज में रहता है, तो इस पर भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। घड़ियाल क्वेश्चन आएगा आएगा डेफिनेटली आएगा, रोक नहीं सकता है कोई। अब ये समझो कि जो भी गैंजेटिक डॉल्फिन है ना, इनको मैस्कट ऑफ हेल्दी एक्वेटिक एनवायरनमेंट भी कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए भी मतलब इंपॉर्टेंट है ये। कंट्रीज प्राइड में इनको शामिल किया गया है, और बंगाल वाला जो रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा तादाद में पाई जाती हैं। और यहां पर आप बोल सकते हो कि इरावदी डॉल्फिन और गैंजेटिक डॉल्फिन दोनों मिलते हैं सुंदरबन वाले एरिया में, और प्लस यहां पर आप बोल सकते हो कि सुंदरबन में ये ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। सेंसस होता है इनका भी, डॉल्फिन सेंसस होता है, वहां से पता चलता है। और कुछ प्रपोजल्स उस टाइम पर रखे गए थे कि हम लोग कुछ कंजर्वेशन रिजर्व्स इनके लिए अलग से बना देंगे, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड जो है उसको कम्युनिटी रिजर्व बना देंगे, मतलब इस तरीके से कुछ है। आप थोड़ा सा और देख सकते हो, तीस्ता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुआर्स, ये सब क्या होते हैं? दुआर्स क्या होते हैं जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, दुआर्स क्या है, कहाँ पर पाए जाते हैं? ये है प्यारी पिक्चर हमारे इंडियन गैंगेटिक डॉल्फिन की, ठीक है? ये है उसका रीजन जहां पर ये पाई जाती है। तो ये इसीलिए मैंने इंक्लूड किया ताकि मैप वर्क अपना बढ़िया से चलता रहे। जहां जहां नदियां होंगी, गंगा ब्रह्मपुत्र, इन सब नदियों में आपको ये देखने को मिलेंगी, ठीक है? ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर पूछा गया कि कौन से इसमें से फॉलोइंग रीजन्स है जहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट, इवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट तीनों पाए जाते हैं। सबसे ईजी स्टेटमेंट है कौन सा, इवरग्रीन फॉरेस्ट निकालना। इवरग्रीन फॉरेस्ट अपने आप बहुत कम है, और जितना ऑप्शन है उसके हिसाब से तो काफी कम है। इवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब है कि बारिश 12 महीने हो, मतलब कि साउथ वेस्ट मानसून से भी और नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी। अब देखो क्या होता है कि वेस्ट बंगाल रीजन की बात करो अगर, तो इसका साउथ वेस्ट बंगाल रीजन मतलब साउथ में वेस्ट साइड में अगर बात करें वहां पर इवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। अगर इवरग्रीन फॉरेस्ट होता तो चलो बे ऑफ बंगाल से साउथ वेस्ट मानसून में वेस्ट बंगाल में आता, और नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जो है वहां से भी कुछ पानी उठा के ये बे ऑफ बंगाल वाला वो साउथ बंगाल में उसके टिप पर बिल्कुल मतलब कि ईस्टर्न कोस्ट रीजन पर दे देता। लेकिन यहां पर वेस्ट लिख दिया, स्टेटमेंट गलत है। सौराष्ट्र रीजन, सौराष्ट्र रीजन कहां पर है आप मुझे खुद बताओगे और उसके हिसाब से बता दोगे। ये स्टेटमेंट आप काट सकते हो कि ये तो अंदर वाला हिस्सा है, यहां पर इवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं हो सकता, 12 महीने बारिश कैसे होगी। तीसरा, नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, मतलब ऊपर कर दिया। हमें पता है कि इवरग्रीन फॉरेस्ट एक जगह मिलता है लेकिन तमिलनाडु वाले रीजन में मिलता है, जहां पर नॉर्थ ईस्ट का भी रिट्रीटिंग मानसून के साथ वहां पर बारिश होती है, तो वहां पर इवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर। उसके हिसाब से आंध्र प्रदेश वाला स्टेटमेंट भी गलत है, बसता है अंडमान निकोबार। इस पे आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, दोनों साइड इसके ओशन सरफेस है, जिधर से भी हवा लेके ऊपर इधर जाएगी बारिश साउथ वेस्ट मानसून की भी होगी, बारिश इधर से होगी तब भी बारिश यहां पर होगी, मतलब अगर नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा तब भी। तो सबसे सेफ स्टेटमेंट तो यही है अंडमान एंड निकोबार। ज्योग्राफी के हिसाब से हमने देखा कि इवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, बस ये पता होना चाहिए था। बाकी क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, अंदाजा लगा सकते हो तो अपने ट्रिक्स लगा लो। ये मेरा ट्रिक है, आपके बेशक और भी ट्रिक हो सकते हैं जो कि इससे अच्छे भी हो सकते हैं, बट मैंने इसको इस तरीके से काउंटर किया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आप अगर इसको और भी कोई ट्रिक से बना सकते हो तो आप वो क्वेश्चन भी शेयर कर लिया करो।
इवन इसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेश्चंस होते हैं जिसपे आप ट्रिक बना सकते हो तो उनको कमेंट सेक्शन में बता जरूर दिया करो, बहुत सारे लोगों का भला होगा, दुआएं लगेंगी तो आपका भी भला हो ही जाएगा। यहाँ पर आप देखो कि इंडियन मैंग्रोव का मैंने एक बार रीजन बता दिया कि कहाँ कहाँ पर इंडियन मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। दूसरा यहाँ पर देखो मैंग्रोव फॉरेस्ट है इधर भी। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे कि इवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल इवरग्रीन फॉरेस्ट, तो यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर केवल और केवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इस रीजन में उतना क्लियर तो नहीं है, ऊपर यहाँ पर आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं इधर वाले रीजन में कुछ कुछ। तो बस इतना ही है, ये मैप थोड़ा सा आप जूम इन करके देखना और भी रीजन थोड़े से पक्के कर लेना। ओके ठीक है, फिर इसके बाद बस इतना ही है और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तो मैं आपको बाकी कहानी सुनाऊंगा और बायोडाइवर्सिटी का क्या एक हिसाब किताब है उसके लिए भी मैं कुछ क्वेश्चंस को बताऊंगा आपको कि उनकी क्या कहानी है, कैसे क्वेश्चंस को हम ट्रेस कर सकते हैं वहां से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए अभी मैं आपको ये बता दूं कि 21वां दिन जो है आपका कल का जो भी दिन है वो 9 अप्रैल 2020 का, उसमें कुछ हिस्ट्री वाला पोर्शन आपको कवर करना है। तो आप केवल इन वीडियोस के बेसिस पर सुनने के लिए छोड़ दो कि अभी जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम उसको देख लेंगे, लेकिन उसके पहले आप अपने इस प्रिपरेशन में कल के दिन लग जाना, ठीक है? हो सकता है कि वीडियो आज रात तक आए या फिर कल दिन में आए, ठीक है? जो भी इसका नेक्स्ट पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा तो उसको आप देख जरूर से लेना, साथ ही साथ ये डे 21 की प्रिपरेशन अपनी मत छोड़ना, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का 1/3 पार्ट है आपके लिए। ये एक बढ़िया न्यूज़ होगी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी अच्छे वीडियोज़ हैं वो आपके लिए अभी दे दिया जाएगा, ठीक है? तो वो भी जल्दी अपलोड हो रहे होंगे और उनसे भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छा टाइम आप दे सकते हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। तो इवन अगर यहाँ वाले पोर्शन को आप थोड़ा सा ओमिट करके उस पर भी डिपेंडेंट होना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि आपको खुद से भी पढ़ लेना चाहिए एक बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो फिर आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।